अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दराज से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर किया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। जो पहली चीज़ है वो ये पोर्टेबल मिरर प्लस ब्रश है। ये काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल है। ये देखें, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आई थिंक था 200 रुपीज़ का, तो आप इसको ईजिली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। ये देखें, एक तरफ को आपको यहाँ पर मिरर दिया हुआ है और सेकेंड तरफ ये देखें आपको ब्रश दिया। आपने सिंपली इसको पुश करना है और ये देखें ये ब्रश निकल आया है और आपने सिंपली अपने हेयर्स को इससे ब्रश कर सकते हैं। और ये मिरर भी आपको पता है लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है, तो ये इजीली आप ये ब्रश और मिरर ये देखें कितना कंसाइज है कि मतलब आप इजीली इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं ये काफ़ी अफोर्डेबल है। दराज से जो मैंने सेकंड चीज़ ऑर्डर की थी वो ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर होल्डर, आप इसको कह सकते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का ये होल्डर है एग शेप का और आप इसके अंदर अपना ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हैं, ताकि अगर आपने फेस पे इसको लगाना है तो स्किन को रिएक्ट भी नहीं करेगा। मैं आपको इसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है। अब मैं इसके अंदर ये देखें, आप इस तरह रख के इसको इस तरह बंद करेंगे तो ये देखें आपका ब्यूटी ब्लेंडर सिक्योर भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हवा भी पास होती रहेगी और इसके अलावा आप इसको अपने मेकअप जो बैग है उसके अंदर भी आराम से कैरी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपको मस्ट ये बाय करनी चाहिए। लास्ट चीज़ मैंने ऑर्डर की थी दराज से वो है जी ये मिल्क का जेली टिंट। ये आजकल आपने देखा होगा बहुत वायरल हुआ हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल मिल्क है वो तो 10 से 11 हज़ार रुपये का है, लेकिन ये मैंने इसका ड्यूप मंगवाया है दराज से 600 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं, मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। और जो इसका शेड है वो है जी स्प्लैश और इसका जो कोड है वो 01 है। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ और जो इसकी एक्सपायरी है वो ये पीछे मेंशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल अच्छी वाली प्रोडक्ट है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का ये टिंट है। इसको सिंपल आपने इस तरह पुश करके इसको ओपन कर लेना है। अंदर से कुछ इस तरह का ये कैप आपने लिड रिमूव करनी है और ये देखें ये है जी ये टिंट। अब मैं आपको इसको ये देखें, आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये देखें ये आप ट्विस्ट करेंगे तो ये ऐसा है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। और एक और बात, आपने इसको ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट जेली वाला है। बस आपने जितना यूज़ करना है आप इतना रखें और इजीली इसको अपने चिक्स पे और लिप्स पे अप्लाई कर लें। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैंने इधर इसका स्वैच किया है, बिल्कुल लाइट से इसका कलर है और आप ये देखें बहुत ही प्यारा और नेचुरल लगता है। आप इसको लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा चिक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।